साथियों नमस्कार। आपका दोस्त मुकेश नागर। साथियों कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे जो शैक्षणिक समाचार है, हमारे जो राजस्थान के जितने भी शिक्षा से संबंधित जो न्यूज होती है वो आप लोगों के सामने मैं डेली रखता हूँ। साथियों आज की सबसे बड़ी न्यूज आती है कि स्कूल लेक्चरर 2018 हाई कोर्ट ने हमारे पूछा है कि सरकार बताए भर्ती में कितने पद थे, कितनों पर नियुक्ति दी। ये बहुत जबरदस्त मामला है साथियों। 2018 के जो लेक्चरर की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती का बहुत बड़ा मामला आज उठ करके सामने आया है। विवादित प्रश्न उत्तर मामला, खाली पदों की संख्या भी पूछी गई। तो जबरदस्त बात है साथियों। आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से डेली न्यूज जो शैक्षणिक समाचार है वो ब्रेकिंग न्यूज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी साथियों। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्त मुकेश नागर का हौसला बढ़ाइए साथियों। हाई कोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान और हिंदी, इतिहास और चित्रकला के विषय पर जो विवादित प्रश्न वाला मामला उठ रहा है, इन प्रश्नों के मामले में उसने पूछा है हाई कोर्ट के द्वारा कि तुमने क्या किया। बहुत बड़ी लताड़ यहाँ पर लगाई है हाई कोर्ट ने। जस्टिस समीर सिंह ने यह निर्देश बुधवार को सुरजन लाल धवन एवं हेमराज रोदिया व अन्य याचिकाओं पर दिया है। सुनवाई 29 मार्च तक करते हुए आरपीसी सचिव को पेश होने के लिए कहा गया है। अब सोचिए कितनी जबरदस्त बात यहाँ पर साथियों कही गई है। बहुत जबरदस्त बात है साथियों। ये मतलब ये मान के चलिए खतरनाक बात है। मेगा जॉब फेयर आज और कल, यानी कि 23,000 युवाओं ने किया ऑनलाइन पंजीयन, 64 कंपनियां करेगी 18,000 पदों पर भर्तियां और आज आएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। ये साथियों बहुत जबरदस्त खबर है। मेगा जॉब फेयर जो है 23 और 24 मार्च को लगा जाएगा और 14 कंपनियों तो 500 से ज्यादा वैकेंसी को भरने के लिए यहां पर आएगी। और ये मानिए ये कंपनियां देगी 500 या उससे अधिक युवाओं को नौकरियां। अमदानी प्राइवेट लिमिटेड 3400 वैकेंसी बता रही है। अवसार एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 500 वैकेंसी बता रही है। बार वेक्यू नेशनल होपिलिटी लिमिटेड 1,000, चेकमेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 550, साई फ्यूचर इंडिया लिमिटेड 1,013 और EFOS एड्यू मार्केटस प्राइवेट लिमिटेड 750, G4S सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 510, ओम इंटरप्राइजेज 1,050। साथियों बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, बहुत जबरदस्त बात है। जितने भी बेरोजगार भाई हैं अगर वो करना चाहते हैं, परेशान हैं, तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑनलाइन किया होगा अपना रजिस्ट्रेशन, वो भाई जो भाई है जो बहन है वो इसमें जाकर के अपना जो भी है प्रमाण पत्र दें और वहां पर अपनी नौकरी को प्राप्त करें। फेंटर सर्विलांस एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड 500, स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जयपुर 2,000, सुब्रोस लिमिटेड 500, V5 ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 500, ऑन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 600, वेल्स फ्रॉम इंडिया लिमिटेड 720 पद। साथियों जबरदस्त मामला है। मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर 11:30 बजे आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 मार्च को एक दिवसीय भरतपुर भ्रमण पर आए थे, लेकिन यहाँ पर 24 मार्च को ये काम वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। साथियों बहुत भयंकर वाली न्यूज है इसमें। आप देखिए सहायक निदेशक सीनी वैज्ञानिक अधिपरीक्षा काउंसिलिंग 28 और 29 को 12वीं अंग्रेजी के पेपर में 10 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। जल्द जारी होगी यूजीसी नेट की आंसर की। आपत्ति शुल्क 200 रुपये रखा गया है। इग्नू रिवाइज डेट शीट जारी, 1 जून से परीक्षा है इग्नू की। साथियों आपको पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन जो यूनिवर्सिटी इग्नू ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन की रिवाइज डेट शीट जारी कर दी है। जिस भी भाई और बहन ने इसमें फॉर्म भरे हैं वो भाई और बहन इसको देखें और ताकि आप अपना फायदा उठा सके। यूजीसी नेट का आयोजन 21 मार्च से 11 मार्च तक किया जाएगा। किया 21 फरवरी से 11 मार्च तक हुआ था साथियों। और अब आपत्ति मांगी गई है कोई क्वेश्चन पर, तो आपको 200 रुपए का शुल्क देकर के आप वहां पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फीस का भुगतान होने पर आपत्ति पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, 100% किया जाएगा आपत्ति पर विचार। ये देखिए आप यहाँ पर पीटीटी के लिए 5 अप्रैल तक करें आवेदन। अब पीटीटी के लिए आप 5 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकते हैं और 21 मई को होगा एग्जाम। ये ध्यान रखिएगा साथियों, जो भी बीएड करना चाहते हैं, पीटीटी करना चाहते हैं, जो भी इसको देना चाहते हैं इस एग्जाम को, याद रखिएगा 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हो और 21 मई को एग्जाम दिया जाएगा। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय GGTU ने शिक्षा स्नातक बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 2 साल के बीएड कोर्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट PTET GGTU.com
पर आवेदन कर सकते हैं। पीटीटी आवेदन प्रक्रिया 5 के पात्र हैं। 1 अप्रैल 2023 रात 11:30 बजे तक खुली रहेगी। 1 अप्रैल 2023 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है 1 अप्रैल 2023 रात 12:30 बजे तक ही खुली रहेगी। आवेदकों को ₹500 के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ये सारी बातें आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है। अल्पसंख्यक युवा मुफ्त में सीखेंगे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी और फारसी भाषा को। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता कौशल विकास योजना के तहत 18 से 35 साल उम्र के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने के उद्देश्य से उनसे आवेदन मांगे गए हैं। अल्पसंख्यक युवाओं को अंग्रेजी सहित फ्रेंच, जर्मन, अरबी व फारसी भाषाओं में दक्ष बनाने के लिए ये योजना बनाई गई है साथियों। तो साथियों इसको आप ध्यान रखिएगा, 500 सीटें यहाँ पर हैं और आप लोगों को इसके लिए बहुत बढ़िया चांस दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप नगर और छावनी स्कूल में 280 सीटें। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा एक में प्रवेश आवेदन हो चुके हैं। शुरू कोटा खत्म, इस बार भी सांसद सिफारिश नहीं। दूसरी से 10वीं तक की खाली सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रैल के बाद शुरू की जाएगी। तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है साथियों। आप लोगों ने भी, अगर आप में से भी कोई भी फॉर्म भरना चाहता है, आपके बच्चे या आपके पास पड़ोसी, तो आप भी तैयार हो जाइए। आयुर्वेद चिकित्सा की स्थिति बहुत खतरनाक। वर्तमान में प्रदेश में 2 सरकारी और 9 निजी कॉलेज ही संचालित हैं। दावा है राज्य में आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। हकीकत, एमओ सहित कुछ 3,000 पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं। बहुत भयंकर स्थिति, भयानक स्थिति दी गई है। किसके कितने पद खाली चल रहे हैं प्रदेश में देखिएगा। चिकित्सा अधिकारी के 2626 पद है, कार्यरत इतने हैं 639 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ये नर्स कंपाउंडर के 847 पद रिक्त हैं। नर्स कंपाउंडर ग्रामीण के 389 पद हैं। परिचायिका फोर्थ क्लास के 1601 पद यहाँ पर खाली थी बताए गए हैं। राजस्थान में कुल कितने औषधालय हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। और बार बार आंदोलन किया गया है, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा, वो भी बता रहे हैं इस बात को कि अभी जो है बहुत भयंकर तरीके से खाली सीटें हैं, इसलिए सरकार इन सीटों को जल्दी से जल्दी भरें। भर्तियां विवादित प्रश्न उत्तरों में अटक जाती हैं, ऐसे आरपीएससी को चलाने का क्या औचित्य। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में मौखिक टिप्पणी यहां पर किए और सचिव को यहां पर पेश करने की बात कही गई है साथियों। ये खतरनाक बात है साथियों, बहुत बढ़िया बात है कि इस तरह से अगर ओपिनियन लिया जाए, इस तरह से हमारा हाईकोर्ट इस तरह की बात करे, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जल्द जारी होगी यूजीसी नेट के आंसर की आपत्ति 200 शुल्क, ये मैंने आपको पहले बता दी थी। एडीएसयू यूजी परीक्षा 5 अप्रैल से शुक्रवार तक जारी होगा टाइम टेबल, यानी कि एडीएस जो यूनिवर्सिटी है उसकी पीजी की परीक्षाएं संचालित हो रही है, इसी बीच अब जो है यूजी की परीक्षाओं की तारीख भी तय कर दी गई है साथियों। अगर किसी ने भी भरा हो, इग्नू की डेट शीट जारी हो गई है, परीक्षाएं जून में ली जाएगी। तो साथियों ये थी आज की ताजा खबरें, जो भी है शैक्षणिक समाचार, हमारे शिक्षा से संबंधित समाचार। अगर किसी भी भाई और बहन को इससे फायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी साथियों। इसलिए हर खबर को पढ़िए, हर खबर को अच्छे से समझिए। अगर आपके लिए एक भी खबर काम की है तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगले शैक्षिक समाचार के साथ, अगले शिक्षा से संबंधित समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।